ऑनलाइन बिल जनरेट कैसे करते हैं? अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, कोई दुकान है और आप चाहते हैं बिल जनरेट करना या ऑनलाइन बिल भेजना चाहते हैं या इनवॉइस भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने मोबाइल में ही आसानी से अच्छा बिल क्रिएट कर सकते हैं, ओरिजिनल बिल। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये वो एप्लीकेशन है इनवॉइस मेकर, जिसे आपको इंस्टॉल कर लेना है, इनवॉइस मेकर एस्टीमेट एंड इनवॉइस ऐप। इसके बाद इसे आप यहां से ओपन कीजिए। अब यहां पर आपको बिल बनाने के लिए प्लस पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, आप पहले इसमें लॉगिन कर लीजिएगा। यहां पर आपको क्लिक करना है मेनू पर, इसके बाद अकाउंट पर क्लिक करना है, यहां पर आपको साइन अप पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ईमेल डालना है। वो ईमेल डालना है यहाँ पर जो ईमेल आपके बिजनेस से संबंधित है या जो ईमेल आप अपने दुकान के लिए रखे हैं, कस्टमर के लिए रखे हैं, वो ईमेल यहाँ पर आप डालिएगा। अब आपका अकाउंट बन चुका है, अब आप वापस बैक आ जाइए। अब यहाँ पर आपको प्लस के निशान पर क्लिक करना है। अब यहाँ इनवॉइस 002 करके लिखा हुआ है, आप यहाँ पर इनवॉइस 2, 3 जो आप चाहे यहाँ पर वो आप नाम यहाँ पर दे सकते हैं। ये डेट है, आपको यहाँ से डेट चेंज कर सकते हैं, कौन सा डेट आप रखना चाहें वो डेट रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये आज का डेट है इसमें। ये ड्यू ऑन रिसिप्ट है, आप यहाँ पर क्लिक करके 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे आप कितना डेट चाहें उतना यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ड्यू है, डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर PO नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ बिजनेस नेम और डिटेल्स और लोगो पर क्लिक करना है आपको। यहाँ नेम में आपको अपने बिजनेस का नेम डालना है, जैसे मैं हिंदी टेक न्यूज कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ कॉन्टेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर ऐड करना है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है, यहाँ पर फैक्स, यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर वेबसाइट आपको ऐड करना है। इसके बाद लोगो पर क्लिक कीजिए। यहाँ लोगो पर क्लिक करके आप एक कैमरे के बटन पर क्लिक करके अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। अब आपको क्लाइंट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप क्लाइंट का नेम, उसका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं। इसके बाद सेव पर क्लिक कर दीजिए, आप कोई भी नाम डाल सकते हैं उसका। इसके बाद सेव पर क्लिक कर दीजिए। ये आइटम है, यहाँ पर आपको अपने आइटम ऐड करने हैं, कौन सा आइटम क्या दिया है आप, जैसे कि यहाँ पर आप कुछ डाल दीजिए, आपने एक मोबाइल दिया, यूनिट कास्ट, एक मोबाइल का कीमत 15,000 है, क्वांटिटी कितना है, एक है। यहाँ पर आप अगर 2 मोबाइल लिए हैं या 10 मोबाइल लिए हैं, इस तरह से यहाँ पर आपको क्वांटिटी डालना है और यूनिट कॉस्ट में उसका जो प्राइस है वो डालना है, जैसे उन्होंने 5 मोबाइल लिया है। इसके बाद आप कुछ एडिशनल डिटेल्स डालना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद सेव पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको डिस्काउंट, अगर आप कुछ डिस्काउंट अगर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, डिस्काउंट अपना ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर टैक्स ऐड कर सकते हैं। ये टोटल है, अब ये पेड है, अगर पैसा पेड किया हुआ है तो आप जो है उसने कितना पैसा पेड किया हुआ है आप यहाँ से उसे लिख सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर पेमेंट, आपको पेमेंट ऑप्शन डालना है, आप यहाँ पर अपना पेपल ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, जिससे कि आपको कोई पेपल से पैसा भेज सके। यहाँ पर आप चेकबुक डाल सकते हैं, अपना चेकबुक का नाम डाल सकते हैं, चेक से पैसा लेना चाहें तो। और यहाँ पर आपको है अपना बैंक डिटेल्स डालना है, ये अदर पेमेंट इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ से आप पेमेंट ऑप्शन सेट कर सकते हैं। इसके बाद कोई फोटो ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से फोटो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करना है, ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, हिंदी टेक्निक वेट 001 मोबाइल क्वालिटी 5 क्वांटिटी 5 रेट 15,000 अमाउंट 75 टोटल इतना बैलेंस ड्यू इतना थैंक यू फॉर बिजनेस। ये देखिए, ये इस तरह से आपका जो है बिल जनरेट हो जाता है।
ये मैं सिर्फ डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से, अपना बिजनेस के हिसाब से आप अच्छा बिल जनरेट कर सकते हैं इससे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये पहला टेक्स्ट का ऑप्शन है और दूसरा ईमेल का ऑप्शन है। अगर आप टेक्स्ट और अगर आप ईमेल पर क्लिक करते हैं तो ये पीडीएफ फाइल ईमेल में आ जाता है। तो टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन आता है, मैसेंजर आता है, मैसेज आता है। आप इनमें से व्हाट्सएप पर भेजना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर क्लिक कर दीजिए। ये एक लिंक का वहाँ पर चला गया है। जब ये इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे पीडीएफ फाइल ओपन होगा और इस तरह से आपका बिल उसे दिखाई देगा। और अगर आप ईमेल पर क्लिक करते हैं, ईमेल भेजने के लिए पीडीएफ फाइल आया हुआ है। आप यहाँ से कस्टमर के ईमेल पर अपना पीडीएफ फाइल भेज सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस तरह से आसानी से कोई भी अपने बिजनेस का इनवॉइस बना सकते हैं और उसे कस्टमर को भेज सकते हैं। तो ऐसे यूजफुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।